वेलकम टू मेरी जेई क्लासेस केमिस्ट्री का सिक्स लेक्चर चैप्टर नंबर टू नैन सॉल्यूशन। ओके, बिफोर दैट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार टाइप के थे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इन दिस चैप्टर लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फर्दर का जो टॉपिक है। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस पोजेस सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, सो इसको अगर डिफाइन करूं तो ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच व्हाट सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस पोजेस या हैव सेम वेपर प्रेशर। ओके, सो लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है जिस टेम्परेचर पे इक्वल होता है दैट इज नॉन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ इफ वी एड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इफ वी एड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। वेपर प्रेशर घटेगा सो द फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस। सो इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, बताया था अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इन दैट कंडीशन वो जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसके सरफेस पे आता है तो सरफेस जो वेपराइज होता है उसका उस पे सॉल्वेंट का अमाउंट घट जाता है तो कम से कम सॉल्वेंट जो होता है वो वेपराइज होता है, दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर घट जाएगा सॉल्यूशन का यानी लिक्विड सॉल्यूशन का तो इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। Hence, freezing point of solution also decreases. Okay, so freezing yes means non-volatile solute जब आप add करोगे तो in that condition फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है यानी जल्दी उसका फ्रीज हो जाता है। सिंपल एग्जांपल में ये समझो कि आप प्योर वाटर को फ्रीज करो एंड दूसरे केस में वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर दो, सॉल्ट क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्ट ऐड कर दो तब उसको फ्रीज करो तो दोनों में पहले फ्रीज करो। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी जो सॉल्ट एंड वाटर वाला सॉल्यूशन है वो पहले फ्रीज हो जाएगा एंड प्योर सॉल्वेंट वाला लेट से फ्रीज होगा। इसी का यही मीनिंग होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाना। ओके, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है तो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? सो डी डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज टी एफ नॉट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, इस केस में हुआ क्या कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है. दैट्स व्हाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे इंडिकेट करते हैं? दैट इज डेल्टा ऑफ टी से. ओके, तो डेल्टा टी, ठीक है, और इन डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? सो डेल्टा टी इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, नाउ फर्स्ट वी सो कि वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर एंड आपका टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है इन केस ऑफ फ्रीजिंग. सो डेल्टा टी इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, नाउ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे शो करते हैं. ग्राफ की बात करो तो दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज वेपर प्रेशर. नाउ दो लाइन ड्रॉ करते, मान लीजिए इसमें फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूशन कौन सा होगा. सॉल्वेंट ऊपर वाला होगा, क्यों? उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है. तो दिस इज द सॉल्वेंट एंड ये आपका है सॉल्यूशन. ओके, नाउ इस केस ऐसी बात करो तो एक हो जाएगा आपका ये टी एफ एंड ये हो जाएगा आपका टी एफ नॉट सॉल्वेंट का, और इसके बीच जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी. ठीक है, ग्राफिकली वेपर प्रेशर और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट को अगर इंडिकेट करना हो तो सॉल्वेंट ऊपर सॉल्यूट नीचे. ठीक है, और इस केस में आपका सॉल्यूट नहीं, दैट इज द सॉल्यूशन. ओके, एंड ये जो पॉइंट है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द डिफरेंस बिटवीन दैट दैट इज इंडिकेटेड डेल्टा टी. नाउ फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इट इज फाउंड दैट, ऐसा देखा गया है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलारिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लाइक द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to molarity means delta t is directly proportional to small m. okay, now delta t equal to proportionality sign hatega to constant aayega written as k f m. this is also depression in freezing point. now m kya hai? molality. And
What is Kf? Kf is here. Kf proportionality constant है. इसको बोलते हैं freezing point. That is freezing point. Depression constant. Depression constant. और इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट. मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट टीई. ठीक है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट. और अनदर वन इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, तीनों नाम से जानते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ. अच्छा, के ये के एफ था, वट इज द यूनिट ऑफ के एफ? ठीक है, यहां से के एफ से यूनिट निकालोगे तो डेल्टा टी अपॉन मोलैलिटी. सो यूनिट ऑफ Kf is Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. This is the unit of the pressure in freezing constant jo hai uska. Now for water. For water, the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. ये वाटर के लिए kf का वैल्यू है. ओके, नाउ तो ये तो kf डेल्टा टी इक्वल टू kf हम निकल गया. नाउ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इज, मींस फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू, पीछे हमने देख चुका है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. ओके, यहां पे मैं लिख दूं डेल्टा एम टू, दैट इज मोलर मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूट, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. What about W2? That is mass of solute. W1 is mass of solvent. And one for the third. Now, is molar, molality ka value yahan par rakh dijiye. So, Kf ka value kitna ho jayega? Sorry, delta T. Depression in freezing कॉन्स्टेंट का वैल्यू. अब इसको इसको ये भी लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में डेल्टा टी एफ, ताकि क्लियर रहे कि ये फ्रीजिंग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एंड मोलारिटी का वैल्यू यहाँ पे है ओमेगा टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का वैल्यू. ठीक है, नाउ ये आपका आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट, दैट इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे डेली लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, फेरोमेनन होते हैं, उसमें हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं. सो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस?
इन जनरल इट इज सीन दैट, ऐसा देखा गया है कि एक हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है एंड लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसको सिर्फ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट कर दें, इन दैट कंडीशन मीन्स आप डायग्राम से यू देखें कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है, किसी भी शेप का यू शेप का कंटेनर है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी बताता हूँ आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें भी एक सॉल्यूशन फिलअप कर दिया एंड इधर भी एक सॉल्यूशन फिलअप कर दिया, दोनों साइड सॉल्यूशन, ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। एक कंटेनर और बीच में लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाउ सिर्फ इसको इससे सेपरेट किया, बाकी कुछ नहीं किया, तो इट इज सीन दैट कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट होता है वो इस मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, इधर आ जाता है, मींस लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो होगा ही, जो सॉल्वेंट है दैट मूव टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ओके। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस हम डिफाइन ऐसे करते हैं, दी फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करना इज नोन एज ऑस्मोसिस, दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। नाउ अच्छा देखिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अपने आप नहीं होता है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ टू पास द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, बट ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन ओनली अलाउ सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, ठीक है, और सॉल्यूट को पास नहीं करता, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अगर वो सबको पास करता तो सिर्फ मेम्ब्रेन होता, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। इसके बहुत सारे दो टाइप के होते हैं, कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आपका नेचुरल होता है। अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल, सो अगर बात करें कि व्हाट इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, दिस मेम्ब्रेन ओनली
allow solvent to pass through it. सिर्फ solvent को ही pass होने देता है. That's why it is called semi-permeable membrane. Now, दो टाइप के होते हैं, जैसे example of semi-permeable membrane. Example of SPM. ठीक है, नेचुरल जो है दैट इज आपका हुआ एग मेम्ब्रेन. एग मेम्ब्रेन एग के ऊपर जो छिलका होता है, ओके, एग मेम्ब्रेन हो गया. प्लांट्स मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, जैसे अपना स्किन है, ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसका एग्जांपल भी होता है. ठीक है, एग मेम्ब्रेन हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन आर सम नेचुरल मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस इज द नेचुरल मेम्ब्रेन. और कुछ आर्टिफिशियल आपका मेम्ब्रेन भी है जो हम जनरली बनाते हैं, जैसे एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट. सेलुलोज एसीटेट, दिस इज आर्टिफिशियल एसपीएम. ये एक आर्टिफिशियल एसपीएम है. ठीक है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज सिर्फ ये सॉल्यूट को ही अलाउ करता है. ओके, इट ओनली अलाउ सॉल्यूट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओके, नाउ इफ वी एक्सर्ट प्रेशर ऑन लो कंसंट्रेट, सॉरी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. क्या था सॉल्वेंट अपने आप किधर फ्लो हो रहा था? सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इफ वी एक्सर्ट एक्सेस प्रेशर ओवर हाई कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? ये जो सॉल्वेंट मूव कर रहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो स्टॉप हो जाएगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल डिफाइन होता है द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करना है जिससे कि आपका सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए. दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ये तो था आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस. अब है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं क्या होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, डिफाइन तो आपको समझ आया क्या? द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड, कहाँ लगाना है? अप्लाइड ओवर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई सिंबल से इंडिकेट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पाई सिंबल. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. व्हाई? बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो
आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन नंबर ऑफ सॉरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नाउ अब ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं कि 4 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए दी ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब हुआ जिसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, सॉरी मोलैरिटी नॉट लिटी, मोलैरिटी, इसको हम सी सिंबल से यहां इंडिकेट, कंसंट्रेशन है तो सी सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सी एंड टेम्परेचर, इस दो फैक्टर पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दो, सॉल्यूट का अमाउंट घटा दो, तो उसे अकॉर्डिंग जो है आपका वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। सी टेम्परेचर दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, वेयर सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड टी इज टेम्परेचर। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, हियर पाई इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी आर टी। व्हाट इज आर, आर से आप जानते हैं, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ओके। अब इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज होते हैं, कहने का मतलब आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। एंड आर का ही वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन, ठीक है, ये दोनों ही यूनिट होता है आपका आर का, दिस इज द गैस कांस्टेंट, ओके। नाउ अब जो कंसंट्रेशन है वो चलिए क्या है, मोलैरिटी था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, दैट यहां पे यार जो है एन टू है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का वैल्यू हो गया एन टू बाय वी। नाउ इसका वैल्यू रख देते हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो और एक और भी चीज कि एन टू का वैल्यू कितना होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका वैल्यू यहां रखेंगे तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, W2 अपॉन M2 इनटू V, ओके। ये निकल गया कंसंट्रेशन, अब इस कंसंट्रेशन का वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, ओके, पाई इक्वल टू सी आर टी में। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, सो पाई इज इक्वल टू था कितना आपका सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू हो गया आपका ओमेगा टू अपॉन
एम टू वी ब्रैकेट में आपका आर इंटू टी. ओके नाउ अब वी को एम टू इधर कर दीजिए तो यहां पे आ जाएगा आपका एम टू इक्वल टू ओमेगा टू आर टी अपॉन पाई वी. ये तो इक्वेशन है ही किसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का. बट दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑस्मोसिस. यानी ऑस्मोसिस फेनोमेनन का यूज करके अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. ठीक है नाउ ये था आपका ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस देखिए आपने चार कॉलिगेटिव पढ़ा है. ठीक है ऑस्मोसिक और जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो बाकी जो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे कुछ चीजों में ज्यादा इजी है. दैट इज ऑस्मोसिस प्रेशर हैव एडवांटेज ओवर द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ वी विल स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्या क्या एडवांटेज है. पहला एडवांटेज तो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को आप जो है रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं. ठीक है वी विल स्टडी द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑस्मोसिस का क्या एडवांटेज है. पहला कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे ही आप उसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने यूज किया मोलारिटी जबकि फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने यूज किया था मोलारिटी. मोलारिटी को फाइंड करना मोलारिटी से ज्यादा आसान पड़ता है. दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना इजी पड़ता है. ठीक है सो दूसरा एडवांटेज है इन दिस मोलारिटी इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ मोलारिटी विच इज इजी टू फाइंड. मोलारिटी को फाइंड करना इजी होता है. ठीक है और मोलारिटी के रेस्पेक्ट दो एडवांटेज हो गया. थर्ड एडवांटेज है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू काफी लार्ज होता है यानी वो इजीली मेजर कर सकते हैं. इवन फॉर और डाइल्यूट सॉल्यूशन the value of osmotic pressure is high. ठीक है
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कर सकते हैं। नाउ अब ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ, ये तीन एडवांटेज हो गए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्यों डिफरेंट है, उसको मेजर करना आसान होता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में भी इतना ज़्यादा होता है कि उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, आप रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हो। मोलारिटी का यूज़ होता है, तो मोलारिटी से ईजी फाइंड करना होता है, दैट्स वाई इसका मेजरमेंट जो है वो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ईजी होता है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस जो डेली लाइफ में होते हैं। बहुत सारे फिनोमिनल है जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जनरली ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन स्विमिंग पूल से आप स्विम करके बाहर आता है, ठीक है, काफ़ी देर तक स्विमिंग करता है और बाहर आता है, तो उसको प्यास बहुत जल्दी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगता है उसको। इसमें भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ होता है। कैसे? कि जनरली स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ओके, जो स्विमिंग पूल होता है उसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, और तो उसका कंसंट्रेशन जो होता है बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में भी फ्लूड्स हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी सॉल्यूशन है और बाहर भी सॉल्यूशन है, बट बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई है। तो होता क्या है कि जो वाटर का अमाउंट है, हमारा जो स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, तो हमारे बॉडी से जो वाटर है वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। दोनों, बाहर भी सॉल्यूशन, हमारे बॉडी के इनसाइड भी सॉल्यूशन, बट हमारे बॉडी के इनसाइड जो सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन लो होता है, दैट्स वाई जो वाटर होते हैं वो हमारे स्किन के पोर से होकर के बाहर निकलता है। तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप स्विमिंग करोगे तो इन दैट कंडीशन जो है आपका जो बाहर निकलने से आपको प्यास लगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, उस ऑस्मोसिस कारण से होता है। तो एक तो आपका एप्लीकेशन मैं एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ, टॉपिक लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर स्विमिंग इन पूल, दैट इज स्विमिंग पूल, पर्सन फील थर्स्टी, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा टाइम तक अगर करोगे तो आप जाके तुरंत निकल जाओगे तो नहीं होगा, नोटिस, ठीक है, ये जनरली होता है। अगर आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। दूसरा है कि रॉ मैंगो, जो कच्चे आम होते हैं उनको जब अचार बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें से जो वाटर होते हैं उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, तो वाटर में बाहर निकालने के लिए कच्चे आम से, दैट इज रॉ मैंगो से, उसको क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ दिया जाता है, यानी नमक वाले सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें डिप कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और अंदर क्या है आपका, वाटर, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस जो प्योर सॉल्वेंट होता है दैट मूव टुवार्ड्स द हाई कंसंट्रेशन, तो जो अंदर के पानी होते हैं वो बाहर चला जाता है, तो मैंगो जो होता है श्रिंक हो जाता है, तो उसको प्रिजर्व करना लॉन्ग टर्म के लिए इजी होता है, ठीक है, बिना किसी खराबी के प्रिजर्व कर सकते हैं। सो रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन डज लूज वाटर एंड देन इट श्रिंक हो जाता है, ठीक है, दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। रॉ मैंगो व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक, व्हाई, बिकॉज इट लूजेस वाटर Why? Due to osmosis. दूसरा, आपने देखा होगा कि जो फूल वगैरह फ्लावर्स होते हैं उस पर पानी का छिड़काव करते हैं या पानी में डाल देते हैं तो फ्रेश हो जाता है, ठीक है, जबकि वो तो टूटा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पेड़ से लगा हुआ है, ठीक है, तो वो फ्रेश हो जाता है, रीजन, अगेन ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड द विल्टेड फ्लावर, ठीक है, मुरझाया हुआ फूल जो होते हैं जब उसको हम फ्रेश वाटर में डालते हैं तो वो खिल जाता है, फ्रेश हो जाता है, मतलब
रीजन होता है ऑस्मोसिस, कि अगर मान लीजिए कि फ्रेश वाटर प्योर सॉल्वेंट है, उसके रिस्पेक्ट में इनसाइड में जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन लो होता है, तो वाटर जो होते हैं वो बाहर से इनसाइड में चला जाता है, इसके कारण से वो फैल जाता है. सो विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव आफ्टर प्लेसिंग इन फ्रेश वाटर. ठीक है. सो थर्ड वन इज विल्टेड फ्लावर्स व्हाट रिवाइव व्हेन इट प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर. ये भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल. ठीक है. ब्लड सेलुलोज, आप बहुत देर तक अब अपने फिंगर्स को नमक वाले पानी में आप डिप करके रखो तो ये सब क्या होता है, श्रिंक हो जाता है. ये वाला पोर्शन जो होता है वो आपका श्रिंक हो जाता है. रीजन कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, मतलब नमक वाले सॉल्ट वाले वाटर में, तो चीज श्रिंक होता है. वो भी यही काम होता है कि बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, लो, अनसाइड कंसंट्रेशन लो है, तो जो वाटर होते हैं वो बाहर चला जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है. तो ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे फर्दर नीचे. ठीक है. ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन इट सस्पेंडेड इन सेलाइन वाटर. ठीक है. इसको हम नीचे एक्सप्लेन नहीं करेंगे जब हम आइसोटो, तीन टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. ये आपका ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है. जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं. ओके. सो दिस इज द ओवरऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया आपका. अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. कितने टाइप के जनरली सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम देखिए, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो भी सॉल्यूशन का टाइप था. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन फर्दर तीन कैटेगरी होता है. ओके. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कहता है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यानी दो सॉल्यूशन जो एक फिक्स टेम्परेचर पे, जिसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. सो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. लेकिन ध्यान रहे, एक टेम्परेचर फिक्स हो, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वेरी कर रहे, एट फिक्स टेम्परेचर पे. ओके. नाउ तो अगर 10 सॉल्यूशन है, इफ देयर आर 10 सॉल्यूशंस एंड ईच वन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इट मींस ऑल आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. आइसोटोनिक का मतलब ही होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. ठीक है. अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू इट सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. ऐसे सॉल्यूशन को आप सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से जब पास करोगे तो सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. और ऑस्मोसिस ही नहीं होगा इफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अगर आप सेमी परमीएबल से पास करोगे, there is no osmosis phenomenon take place. ठीक है. so
नो ऑस्मोसिस फेनोमेना टेक प्लेस व्हेन व्हेन आइसोटोनिक सॉल्यूशन पास थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब आप पास करते हैं तो कोई भी ऑस्मोसिस फेनोमेनन नहीं होता है. ओके, नाउ एग्जांपल ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का, हमारा जो ब्लड है वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. ब्लड्स आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर आवर ब्लड सेल, आवर ब्लड सेल इज आइसोटोनिक. और पता है ब्लड सेल्स में कितने परसेंट आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, विद 0.9% कैसे मास बाय वॉल्यूम क्या कंसिस्ट करता है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है वो 0.9% बाय मास होता है. ये कंसंट्रेशन का यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. मास से वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जिसमें जो सॉल्यूट है वो मास में लेना है, सॉरी के मास काउंट करना है, एंड जो सॉल्यूशन उसको वॉल्यूम में लेना है. ओके, तो 0.9% है, इसको हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, नोन एज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, ये हमारे ब्लड में होता है. तो हमारा जो ब्लड है दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज सेकेंड था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. पहला था आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब जिस सॉल्यूशन, जैसे दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक. इफ दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम नहीं हो तो एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा. सो द सॉल्यूशन having higher osmotic pressure is known as hypertonic solution and the solution have lower osmotic pressure as compared to the another solution is known as hypotonic. So hypertonic kya hoga? Hypertonic kya likhte hain? The solution having higher osmotic as compared to another one. ठीक है, the solution having higher osmotic pressure is known as hypertonic solution. Okay, and another one is जिसका आपका कम होता है उसको बोलते हैं hypotonic solution. ठीक है, एंड थर्ड वन है आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है सेम चीज, द सॉल्यूशन हैविंग लोअर लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक. ठीक है, इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, उसके बाद उसका है एग्जांपल कि जैसे हम ऊपर पढ़े थे कि ब्लड सेल्स को जब सेलाइन वाटर में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है. ओके, तो अगर इफ वी पुट ब्लड सेल इनटू अ सॉल्यूशन हैविंग
द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मोर देन 0.9%, हमारा ब्लड सेल का कितना था 0.9% कंसंट्रेशन। अगर उस ब्लड सेल को हमने ऐसे सेलाइन सॉल्यूशन में रखा है जिस मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा है जिसमें सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ जिसमें हमने ब्लड सेल्स को रखा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, ब्लड सेल से। तो ऑस्मोसिस किधर होगा, हमारे ब्लड सेल से वाटर जो है वो बाहर जाएगा हाई कंसंट्रेशन। इन दैट कंडीशन जो ब्लड सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। एंड इफ वी पुट ब्लड सेल्स इनटू अ सॉल्यूशन जिसका मतलब जिसमें सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी में जो कंसंट्रेशन दैट इज ब्लड सेल में 0.9% उससे अगर कम है तो क्या उल्टा होगा, तब हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, वाटर, वाटर बाहर से हमारे बॉडी के अंदर मूव करेगा और इन दैट कंडीशन जो ब्लड सेल्स होंगे वो आपका स्वेल कर जाएगा। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी यूज करते हैं वर्ड, यानी उल्टा हो जाना। ठीक है, सो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वही है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका यूज वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जो सी वाटर होते हैं, सॉल्टेड वाटर होते हैं, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज होता है। कभी आप ड्रिंकिंग वाटर अगर परचेज करोगे या आपने किया होगा और उसके आपने अगर जो लेबलिंग होता है उसे पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है अंडर रिवर्स ऑस्मोसिस, हर एक ड्रिंकिंग वाटर पर लिखा होता है। जनरली जितने भी स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसमें तो क्लियरली लिखा होता है अंडर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो जाकर गौर कीजिएगा, वहाँ पे लिख अंडर रिवर्स ऑस्मोसिस मेंशन रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, तो इसके लिए ऑस्मोसिस का वर्ड क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वाज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस था क्या, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जो था वो या तो प्योर सॉल्वेंट से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा था या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन में जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ठीक इसका उल्टा हो, हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ओर मूव करे तो उसको हम दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये अपने आप तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे आपको प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन जो हाई कंस, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं मैं एग्जांपल, उसके बाद डिफाइन देखेंगे कि क्या होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस में समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है। ओके, यहाँ पे लगा हुआ आपका क्या SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सॉल्यूट को, जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करता है। इधर एक सॉल्यूशन है एंड इधर भी आपका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है एंड दिस इज लो कंसंट्रेशन, ये SPM है। तो जब आपने कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया होगे उस टाइम पे क्या होगा, जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट है, जो इसका सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, इधर पास करेगा। ओके, नाउ इफ मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो प्रेशर अप्लाई किया दैट प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, जो सॉल्वेंट को फ्लो को जस्ट स्टॉप कर दे, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा प्रेशर लगाया तो उल्टा काम शुरू हो जाता है। इन दैट कंडीशन इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इन दैट कंडीशन होता क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है हाई कंसंट्रेशन वाला वो लो कंसंट्रेशन को मूव करना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का
जो रिवर्स प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसेलिनेशन मतलब हुआ सलाइन वाटर यानी नमक वाले पानी को प्योर वाटर में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस का रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ओके सो अब देख लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। रिवर्स ऑस्मोसिस इफ एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का मतलब हुआ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड कहां पे ओवर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस। कहां से कहां द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर मूव करता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। दिस प्रोसेस इज known as reverse osmosis। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ओके एंड इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो सी वाटर को ही प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डीसेलिनेशन of sea water के desalination के लिए use किया जाता है। okay कैसे तो actually होता क्या है कि जैसे एक container लिया इसमें क्या करते हैं आपका SPM semi permeable membrane होता है। okay इसमें जो लिक्विड मतलब इसमें जो वाटर होता है एक्चुअली सी वाटर होता है और यहां जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई से बड़ा रखते हैं। इन दैट कंडीशन होगा क्या कि और इधर क्या रखते हैं हम फ्रेश वाटर। इधर जो प्रेस करते हैं वो आपका फ्रेश वाटर होता है। ये आपका वाटर आउटलेट हो गया जो पानी निकलता है वाटर आउटलेट ये प्योर पानी होगा। रीजन आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या किया कि इस प्रेशर को ठीक है ये आपका क्या हो गया दिस इज द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर और ये हाईली कंसंट्रेटेड सी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ये आपका लो कंसंट्रेशन है। If you are applying pressure more than the osmotic pressure, in that condition, the solvent, तो sea water में solvent क्या होगा? Liquid और जो water होता है वो, so water start motion from high concentration to low concentration, तो यहाँ पे fresh water का amount बढ़ता है, जो कि इधर side से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, so this is process is used for desalination of sea water, ठीक है? ये आपका osmotic pressure होता है। अब जो न्यू टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगा दैट इज द एबनॉर्मल मोलर मास विंडसहॉफ फैक्टर डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये सब नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके दैट इज बहुत स्मॉल टॉपिक ही बचा है ऑलमोस्ट ये चैप्टर्स जो होंगे नेक्स्ट टॉपिक में वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकली
this chapter will completed in this lecture. That is lecture number 7. Okay.